ईसा अलैहि सलाम जेड़े वेले दुनिया दे विच आए मुसलमानों कायनात अल्लाह को हर दौर च पता जो अल्लाह अपने नबी को बनाया है हजूर जलवा गरी फरमेसन ते सारे उम्मत सुन दिया या सुन दिया या सुन दिया या जो आमेना दिलाल आवणे जेड़े वेले अरसा गुजर गया 1,24,000 नबियां दे विचो आखरी नबी ईसा अलैहि सलाम आ गए। लोग आख्या ईसा अलैहि सलाम ओ लजपाल मोहम्मद कढ़ना सी इंतजार करेने करेने इतना वक्त गुजर गए पर लजपाल अज तक नहीं आया कढ़ना सी। ईसा अलैहि सलाम अपनी उम्मत को तसल्ली दीती ते आखण लगे ए लोगो इंतजार ज घड़िया मुक गए मैं ईसा अलैहि सलाम ऐलान करेना व मुबशिरम रसूल मैं तो को रसूल अल्लाह दी बिशारत ते खुशखबरी देनेना याती मिन बादी जेड़ा मेरे बाद सी इस्मुहु अहमद मेरे बाद आवण वाले उन्हां दा नां आसमाना दे उत्ते अहमद हो सी। बस हुण इंतजार दे घड़ियां मुक गए मेरे बाद लजपाल मोहम्मद आवण वाला है। यानी कायनात को इंतजार है सरकार दी हजूर जी में आए मुसलमानों मैं कि इंतजार कीवें ना होवे जिवें बीमार डॉक्टर दा इंतजार करें दे जमीन जट दा इंतजार करें दिए जे तक वहीं ते बीज न छटे हल न बहावे फसल थी नहीं सकती इवें ना डॉक्टर आते इलाज न करे शफा नहीं थी सकती इवें मुसलमानों कायनात गम में मुबतला है इतने तक आमिन दिलाल आ गए महबूब रब्बे जल जलाल आ गए जनाबे वाला देहिया कल भी जरा जिंदा बच्चियां ने दा दफन कर रहे हैं तो आज ते मेरे मिलाद वाले रसूल फजर दी नमाज पढ़िए हजूर ने अल्लाह के दरबार च दुआ की थी लब सुनो हजूर दे हजूर ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा आती दिहियत القلب الاسلام اے اللہ دیہ قلب کو اسلام دی دولت عطا فرما مسلمانوں مصطفیٰ تا اپنی ذات دے وچ بڑی اعلی شان والا پر محمد دی دعا دا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکدا हजूर दी दुआ भी बेमिसाल है सरकार दा जिस्म भी बेमिसाल है हजूर भी बेमिसाल है हजूर दी किताब भी बेमिसाल है हजूर दी उम्मत भी बेमिसाल है हजूर दा खानदान भी बेमिसाल है हजूर दी आल औलाद भी बेमिसाल है सरकार दुआ दे हाथ चैन अदिन अल्लाहुम्मा आते दिहियत القلب الاسلام जेंदा माना है ऐ अल्लाह दिहिया कल्बी को इस्लाम दी दौलत अता फरमा दुआ करते जनाबे वाला हजूरी में दुआ मुकाइए सरकार उठ से वंजन लगन जिब्रील अमीन फौरन आ गए आदन या रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन सलाम पे इरशाद फरमे दे अल्लाह फरमे दे मेरा मोहम्मद उठी ते वंजे ना देहिया कल भी आंदा पे इस्लाम कबूल करने वास्ते काफिर आ देहिया कल काफिर काफिर जनाबे वाला तवज्जो फरमाओ जिब्रील आते लजपाल मोहम्मद अरबी की खिदमत अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह अल्लाह सलाम करेंगे अल्लाह इरशाद फरमेंदे मेरा मोहम्मद उठे तो मंजे ना दिया कल दिया दा पे कलमा पढ़ने वास्ते हजूर बह गए जिमें दिया कल भी आए तवज्जो मैं दे ईमान नाल जे दिल ठरे तो अखाहे ना आवे तो तख्त वल सुभान अल्लाह बिल्कुल ना आखाए तवज्जो करो हजूर दा दौर सुभान अल्लाह सरकार दी मजलिस सुभान अल्लाह मुसलमानों तवज्जो करो जरे देहिया कल भी हजूर दुआ मंगिए जिब्रील आते दसे जो कमली वाले देहिया कल भी आंदा पे वन्यो ना हजूर बाहे गए जिमें आए ना देहिया कल भी तवज्जो
हजूर ने अपनी रहमत वाली चादर मुजम्मिल जड़ी है इमें बिछा दी थी। आए दहिया कल भी आए हजूर इशारा किते फरमाया इन चादर दे उत्ते बाहे दिल्ली आखी में सुबह अल्लाह चस नहीं आई। देखो हाई काफिर अजन तक हाई कौन काफिर हजूर दुआ की दिए सरकार जले आए ना दहिया कल भी इमें चादर भी छाई है मुजम्मिल दी चादर वाल हजूर फरमाए दहिया बाहे इन चादर दे उत्ते हम तवज्जो करा है हा काफिर हजूर दी दुआ ना लाए सरकार चादर मुजम्मिल बिछा दी आई दे बाए तो जड़े दहिया कल भी काफिर हा आए ना हजूर आके बाए हजूर दी चादर को आते इवें कट्ठा चखीते सी तवज्जो मैं दिल कट्ठा करते हदीस चाहे इवें आते हजूर दी चादर को चुमे सी चुमते इवें अख नाल लाए हजूर दी चादर को ते आख ना लाते चुमते सिर दे उते रखे सी चप हजूर फरमाया देहिया कल भी मैं ते को आखे मेरी चादर दे उते बहे तू चादर को चुमदा पे अखी ना लेंदा पे सिर दे उते रखी गणे काफिर है जन तवज्जो करो देहिया कल भी अर्ज करें दे या रसूल अल्लाह मैं आज तक काफिर कमली वाले अल्लाह जड़ी चादर दे कसम कुरान चावे मैं देहिया कल भी इतना बड़ा गुनागार जरा जिंदा बच्चिया को दफन करने वाला मोहम्मद दी चादर दे तिबामा क्यामत तक मोहम्मद दी चादर को दाग लगवे सी इंदा मकाम देहिया कल भी दे पैर नहीं कमली वाले चादर का मकाम है जड़ा मैं चुमते अखी बुलाया है अपने सिर का ताज बनाया है ए मुहम्मद ही चादर का मकाम मेरा सिर हाई है पैर नहीं सिर तवज्जो फरमाओ जनाबे वाला जिमें दहिया कल भी आए हजूर फरमाया कलमा पढ़ते मुसलमान थी मन हजूर कलमा पढ़ाए कलमा पढ़ाते सरकार ने दहिया कल भी कोई इस्लाम की दौलत अता फरमाइए और दहिया कल भी ठीक है मुसलमान तवज्जो नाल गल सुना है अगली जेड़ा काफिर हा जिंदा बच्चियां दफन करेंदा हा 700 घर दा सरदार कलमा पढ़े सी मैं पूछदा मुस्तफा दी दुआ दा कमाल इतना तहा ना जो हजूर नहीं में दुआ की देहिया कल भी 700 घर समेत मुसलमान पहला मुस्तफा दी दुआ दा असर दूजा असर है कि जेरे बच्चियां जिंदा दफन थी हन मुस्तफा ने आंदे उन बच्चियां को अमन दे दिता जिंदगी अता फरमा दीती ए हजूर दे आमन नाल मैं पहले आके ए महीने का नाम क्या है उच उच बोलो रबी उल अव्वल मैं अगर जेड़े बच्चियां आने हुए जीनिया को मार दिता वे रहा मोहम्मद आए ते जिंदगी मिल गई है मोहम्मद आए ते जिंदगी दे विच बहार आ गई है तो वल मुस्तफा दे आमन दी रहमत है कि कोई ना अगली गल तवज्जो करो दे या कल मैं रिवायत च पढ़दा प्यामी हजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों आप फरमाया के लोगो जेड़े वेले जिब्रील में मोहम्मद दे कोल आंदे फरमाया आम नहीं बल्कि देहिया कल्बी दी सूरत बना ते आंदे दिल्ली सवाल अल्लाह ये चस नहीं आई ईमान अल्लाह फरमाया जिब्रील जेड़े वेले भी मेरे कोल आंदे देहिया कल्बी दी सूरत बना त्यांगे मुसलमानों तवज्जो करो जेड़े बंदे काफिर को मुहम्मद दुआ मंगते मंगे अल्लाह उन्दी इज्जत इतनी वधा छुड़ेंदे को जिब्रील जेड़े वेले भी मुहम्मद दरबार चांदे देहिया कल्बी दी सूरत बना त्यांगे अच्छा जे चस नाल सुभान अल्लाह को नुक्ता भी देवा देखो जिब्रील पहले ही आंदा ना ते हुण देहिया कल्बी दे इस्लाम तो बाद देहिया कल्बी भी पहले हा ते जिब्रील भी पहले हा मगर जड़े वेले हजूर देहिया कल्बी काफिर को मंगते मुसलमान बड़ा छोड़े रब को एदा पसंद है
फरमाया जिबरीला जी या रसूल अल्लाह जी या अल्लाह। फरमाया जेड़े वेले हुण किया करना मेरे मुहम्मद को देहिया कलबी जो सोना लग देना जो मोगते जो दुआ की सी को इस्लाम दे। फरमाया जिबरील जेड़े वेले किया करना देहिया कलबी दी सूरत बनाते किया कर ताकि मेरा मुहम्मद ही वाके को याद भी करेंदा रहे वंजे ते मुहम्मद खुशियां भी मनेंदा रहे वंजे। तवज्जो फरमाओ जनाबे वाला मैं प्यार करें नामी हजूर अलैहिस्सलाम दी एक हदीस पाक पढ़ी है। तवज्जो फरमाओ जनाबे वाला मुस्तफा दी अजमत तो सदके हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आपने फरमाया अना अव्वलुन नास खल्कन व आखिरुहुम बासा। फरमाया जिस वेले बनावन की बारी आई है अल्लाह मैं आमिना दिलाल को सब तो पहले बनाए ते जिस वेले दुनिया च भेजन की बारी आई है अल्लाह मैं मुहम्मद को सब तो बाद च भेजे। ये हजूर दी अजमत। आज जिहड़ी हदीस पाक का हिस्सा मैं पढ़े तवज्जो करो हजूर फरमाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान नाल मुसलमानों जे दिल थर्रे आखा है सुभान अल्लाह ही में ना हुण सुनो हदीस एक मैं हुने पढ़ी है कि फरमाया जिस वेले अल्लाह मखलूकात को बनाए सब तो पहले अल्लाह ने मुहम्मद को बनाए ते जिस वेले दुनिया च भेजन दीवारी आई है फरमाया अल्लाह सब तो आखिर च मैं मुहम्मद को भेजे। मैं आखे अल्लाह इंदी वजह क्या है जो बनाया पहले ही भेजा बाद च ही। फरमाया ई वास्ते बाद च भेजे मी जो 1,24,000 को भेजे मी वंज ते मखलूक मेरी को मेरे मोहम्मद का तारुफ कराओ सारे मेरे मोहम्मद को जानते होवे। एक गाल दूजी गाल फरमाया ए ना जो मेरा मोहम्मद पहले वंज ते बावे ते वल होंदे बैठे हो तारुफ कराओ ना मेरे मोहम्मद को इंतजार ना करना पवे पहले तारुफ होवे। एक दूजी हदीस जी आज दी पढ़ी है ओ तवज्जो करो सुनो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फरमाया जेड़े वेले कायनात च सारे नबी लगे गए सारे उम्मता लगे हुए सन सारे बंदे दुनिया च लगे हुए सन। ठीक है यानी क्यामत आ गई क्यामत तो बाद हुण तवज्जो करा बड़ी जबरदस्त गल फरमाया जेड़े वेले अल्लाह बनाए पहले मैं मोहम्मद को बनाए जेड़े वेले दुनिया च भेजे सब तो पहले बनावन तो बाद भेजा सब तो बाद चे ते वल फरमाया आना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु। फरमाया जिस वेले जमीन दे विच सारे नबी लगे गए सारे इंसान अपने कब्रें च लगे गए फरमाया सब तो आखिर च नबियां दे विच अल्लाह मैं मुहम्मद को दुनिया च भेजे ते मैं अपने रौदे च गया अपने कब्रे अनवर दे विच गया। आ फरमाने मैं को जिस वेले अल्लाह भाई हदीस चाहे हो तवज्जो करो आना अज़्ज़ालु मन तन शक्कु अनुहुल अर्द। फरमाया जिस वेले जमीन फटसी लोग बाहर निकल सन आमिना दिलाल फरमेन मिलाद वाला मोहम्मद फरमेन फरमाया जमीन च वंजन च नबिया दे विच सब तो आखरी मैं ते जमीन फट सी जिहड़े वेले नबी बाहर निकल सन फरमाया आना अव्वलु मन तन शक्कु फरमाया जिहड़े वेले जमीन फट सी सब तो पहला इंसान मैं मोहम्मद होसा जिहड़ा जमीन किनों बाहर आसा। तवज्जो है और मैं पूछदा ये सारिया गाली मुस्तफा की अजमत है कि कोई ना। अल्लाह फरमाए जमीन दे विच कब्रा दे विच आराम करन दा वक्त है तो फरमाए मेरा मुहम्मद थोड़ी देर वंजे तवज्जो है ते जदों निकलन दा वक्त आए फरमाए सारे बाद विच पहले मुहम्मद बाहर निकलती कब्र चो जमीन फटसी। अगू सुनो हजूर फरमाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़े वेले मैं आसा अल्लाह के दरबार च आपने फरमाया आना खतीबुहुम फरमाया जेड़े वेले कायनात ना उम्मीद थी वैसी सब दी उम्मीद दा मरकज मैं मोहम्मद होसा। और
पहली शफात मैं करे सा जेड़े वेले को बोल ना सकसी पहले मैं मोहम्मद बोले सा जेड़े वेले कायनात को छुड़ावण दी वारी आसी मैं मोहम्मद सब तो पहले छुड़वे सा। और आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिवाउल हमद बियदी, फरमाया जरा क़यामत दने आसी आदम अलैहि सलाम की गिनते फरमाया ईसा अलैहि सलाम तक अल्लाह में को हाथ से झंडा देसी लिवाउल हमद वाला, फरमाया आदम से आदम भी सारी औलाद मैं मोहम्मद के झंडे दे चले हो सी। मैं पूछदा जो सरदारी हर जा मुस्तफा दी है, भावे आसमान होवेन भावे जमीन होवेन भावे मकीनो मकान होवे भावे इंसो जान होवे भावे पत्थर होवेन भावे हैवान होवेन भावे जानवर होवेन भावे दरख्त नबातात होवेन, ईमान नाल मैं प्यादा सारी कायनात दा मरकज मावा मलजा सरदार प्यारा मुहम्मद अरबी है। मैं उन सबको एक गाल सुनेदा मैं आखिरी गाल, क्योंकि आज दा वक्त मुकदप है, आखिरी गाल प्यार करे ना जनाबे वाला तवज्जो फरमाओ, मुस्तफा दी अजमत तो सदके मोहम्मद ए निशान वाला के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकरे बैठे हन ते एक यहूदी आ गया आखण लगा जो तुसा नबी ही वे हजूर जो ऐलान कीता जो मैं नबी हां, वो आख्या अगर तुसा नबी ही वे सामने खजूर का दरख्त खड़ा आखन लगा ये दरख्त के उत्ते जी पिंड लगी खड़ी है ना गुच्छा पिंड आला गुच्छा, वो आखा ये गुच्छा तुहाडे नबी होवन की गवाही देवे मैं कलमा पढ़ गिनसा। उन्हें को केड़ी वड्डी गाल आई मुसलमानों, भला एक कोई गाल आई जो भाई मैं आदा प्या अल्लाह ना करे समझावन वास्ते भाई मैं नबी हाँ, और एक बंदा ही टूटे हो आखे मौली साहब, मैं आखिर जी आखे यार एक खजूर का जरा दरख्त खड़े पिंड वाला गुच्छ है ही को आखे कलमा पढ़े मैं कलमा पढ़ इंसान मुसलमान थी वैसा मैं तो हक्का बक्का जिम्मे आदि मैं तोते उड़ वैसे है, लेकिन तवज्जो करो अल्लाह मुस्तफा को ये निशान अता फरमाइए हजूर पर मैंने ओ यहूदी जड़े मैं पढ़ा त्रिंद शरीफ की सियासत की हदीस है आखन लगा तुसा मगर नबी वे ए गुच्छा पिंड ला के जो तुसा नबी वे मैं कलमा पढ़ी इंसा तवज्जो। हजूर ने अपनी वे शहादत वाली उंगली दा खजूर दे मुंड दी तरफ इशारा कीता, गुच्छा जने ते पिंड लगी खड़ी आई सरकारी में इशारा फरमाया है हदीस दे चाहे सरकार दे इशारे दे दे रही के खजी जड़ी लगी खड़ी आई पिंड ओ गुच्छा पूरा अपनी खजी दे उत्तों अपनी जात तो लांदा लांदा तुरदा तुरदा मुस्तफा दे कदमा दे चाहे आते जनाबे वाला सरकार दा कलमा पड़े थी सारी खलकत रिठे जो मुहम्मद निशान वाला है, अगर दरख्ते पूछे कोई इशारा करे अपनी जात छोड़ते मुस्तफा दी इताअत करे ने वो कुछ आते कलमा पड़े जड़े वेले पिंड बुलेंदी पई आई तवज्जो है जे तो सवाल ला उच्ची आखो तकाल एक करम है। हाँ सवाल आ सकते जो मौली साहब भला दरख्त ही टुरदे नोंदे तो लगी हुई पिंड ही टुरदी है, मैं अर्ज करा जनाबे वाला अल्लाह दा कुरान पे बयान करें दे मूसा अली सलाम अपनी बीवी हजरत सफूरा पाक को गिनते जिले वेले आंदे पैन बच्चे दे विलादत दा वक्त आए भा दी जरूरत आई, मूसा अली सलाम अपनी बीवी को फरमाया सफूरा बहवन मैं दे दा पे दरख्त को भा लगी खड़ी है इतो कोई अंगारा डावे ते मैं चाहते आना ते भा दा इंतजाम करे ना, मूसा अली सलाम गए कुरान है कुरान दे दे खड़े दरख्त को भा लगी खड़ी है लगी 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 भड़कती खड़ी ते अंगारा हेक की तले नहीं रखा, हैरान थी कहन या अल्लाह ये कमाल है जल्ले परेशान थे रब्बुल आलमीन ने दरख्त दे विच आवाज दिती अल्लाह फरमाया मेरा पैगंबर कलीम अल्लाह मैं तो समझे जो भा है ये मेरा कलीम भा नहीं बल्कि प्यारा तेरा खुदा है जदला रोज गाली करे ने वो तेरा खुदा है, ये दरख्त विच आवाज है जनाबे वाला तवज्जो फरमो अल्लाह पाक ने फरमाया अय्या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन
अल्लाह फरमाया है मेरा मूसा इन्नी अनल्लाह ए बा नहीं बल्कि तेरा खुदा है जरा रब्बुल आलमीन है। तवज्जो करो दरख्त जड़े वेले खजूर खजी दस खोसा त्रुप से आया कलमा पड़े सी यहूदी मुसलमान हुण तवज्जो करो मुस्तफा किन सवाल छोटा ते हजूर दा जवाब वड्डा क्या थी तवज्जो करो ये आखिरी गल हजूर जड़े मौजजा दिखा दिता ना हुण कायनात हक्की बक्की ते मेरे मुस्तफा वल क्या फरमाया हूं खोशे को हजूर फरमाया ओए खजी दा खोशा इवें कर जिथ लाहते हैं ना हजूर इवें एंगल का इशारा किया इवें जिमें इशारा किया ना वह गुच्छा जोड़ा पिंड रहा वह वल तुरदा तुरदा पिंड का गुच्छा खजूर के उत्ते बंजते जिथ तुरटा हा उठा ही बंजते लगते खड़ गया। ये मुस्तफा का मकाम है अल्लाह पाक कबूल फरमावे जरिए निजात बढ़ावे आमीन वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।